हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों के ना मैसेज मुझे आते हैं ईमेल में और इंस्टा पे भी कि सर, कस्तूरबा गांधी यानी कि KGBV में जो है, अगर मैं जॉब करूँ तो क्या इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इससे अच्छी अच्छी जॉब जो है KBS में, NBS में, DSSSB में आती है, तो हम क्यों ना जो अभी यहाँ पे जॉब करें उससे बेटर है कि इसकी तैयारी की जाए। किसकी? KBS की, NBS की, DSSSB की। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात आराम से बता देता हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से, यू नो इट बेटर देन मी, कि कंपटीशन कितना टफ है। कंपटीशन रोज डे बाय डे जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे में आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अगर आप जॉब करोगे तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा आपको, और उस बेनिफिट का नाम है एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाओगे ना किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट स्कूल में भी, वहां पे भी आपको 50,000 की सैलरी मिलेगी। और मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने APS की तैयारी करी, आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी करी, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये किसी और प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वहां पर उनको 60,000 की सैलरी जो है ऑफर की गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो प्लीज गो विथ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आपको फ्री में भी कहीं पढ़ाना पड़े तो प्लीज पढ़ाएं। 1 साल 2 साल का अगर आपको CBSE स्कूल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है तो ये आपके लिए, आपके जो CV है, आपकी जो बायोडेटा है, रेज्यूमे है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। बाकी आपकी मर्जी। अब देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक और भर्ती आई है। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में थ्रू आउट ऑल ईयर, होल ईयर जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जिन लोगों को भी अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, तभी तो मैं आपके ऊपर रिसर्च कर पाऊंगा, आपके जिले के ऊपर रिसर्च कर पाऊंगा। क्योंकि पूरे भारत में जितने जिले हैं, लगभग 700 या 500 जिले हैं, उनकी सारे नाम को याद कर पाना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे तो आपके लिए मैं इसी तरह की वैकेंसीज लाता रहूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू है, सीधा एग्जाम देना है और जॉब सिक्योर करके आप, एग्जाम भी नहीं देना, सीधा आपको फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है। फॉर्म क्या करना है? अप्लाई कर देना, आपका काम बन जाएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और कल मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक और रिक्रूटमेंट डाली थी, वो भी जाकर आप वीडियो में देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और दोनों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहाँ से देखिए, ये रहा इसका PDF, और इस PDF में देखिए एक एक करके मैं सब वैकेंसी के बारे में आपको बता दूंगा। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका की रिक्रूटमेंट है। भाषा के लिए जो है हिंदी और संस्कृत से जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में याद रखिए, BEd जिन लोगों ने कर रखा है वही अप्लाई कर पाएंगे। BTC इज नॉट अलाउड इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। BTC जिन्होंने किया है, DLED जिन्होंने किया है, वो यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होंगे। BEd की बात हो गई, CTET या कोई भी टेट अगर आपने पास कर रखा है Paper 2, किसका? Paper 2, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। सभी विषय के लिए Paper 2 का होना और BEd का होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मिनिमम एज देखिए 25, मैक्सिमम एज 45 रखी गई है। साथ में 24,200 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी हर शिक्षक भर्ती के लिए। आगे देखिए, यहाँ पे आपको जो है SST सब्जेक्ट यानी कि सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, जिन लोगों ने ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर सिविक्स से, तीनों में से किसी से भी जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और BEd और Paper 2 तो होना ही चाहिए। 24,200 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। अब देखिए, गणित के लिए PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिनका ग्रेजुएशन में था, तीनों होना जरूरी है तभी आप यहाँ पे अप्लीकेबल हो पाओगे। सेम BEd भी होना जरूरी है और TET Paper 2 का भी होना जरूरी है। 24,200 रुपये सैलरी है यहाँ पे। इसके अलावा कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प की रिक्रूटमेंट है। कंप्यूटर शिक्षिका की रिक्रूटमेंट है। स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षिका की रिक्रूटमेंट है। 12,181 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा स्नातक और जो वाणिज्य स्नातक किया, जिन्होंने MS ऑफिस पर काम करने का जिनको एक्सपीरियंस है, तो वो लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 13,673 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। साथ में एज वही है 25 से 45 के बीच में। पाक कला का ज्ञान होना चाहिए, मुख्य रसोईया के लिए, सहायक रसोईया के लिए, चपरासी, इनके लिए अलग अलग है। देखो, ये जो वैकेंसीज है ना, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, इसके लिए आप अपने घरों में देखो, ये ऐसा तो है नहीं कि आपकी चाची, आपकी मौसी या फिर आपके घरों के आसपास में जो पड़ोसी हैं या आपके घर में ही इवन, तो जिन ये जो भर्ती है आपके वजह से जो है भर्ती जो है भरी जाएगी। तो प्लीज़ इन वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों, ये जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे लोग तो नहीं बट जिनके पास पैसे की दिक्कत है, किल्लत है, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो जो है अप्लाई कर पाएँ। ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे देखिए, पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है और ये केवल महिलाओं के लिए है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। एक्चुअली लिफाफा वगैरह के बारे में इन्होंने कुछ बताया है या नहीं, देखिए नहीं दिया इन्होंने।
खैर कोई बात नहीं, देखिए एक बड़ा सा लिफाफा आपको लेना है, मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ ताकि किसी भी अप्लाई कैसे करना है। साथ में दो अंदर में लिफाफे हैं जिसमें 40-40 का डाक टिकट लगाना है, और यहाँ पे आप ऊपर में जो बड़ा लिफाफा होगा उसके ऊपर में आप जैसे कि साइंस टीचर के लिए जा रहे हो तो आप साइंस लिख दोगे, साथ में अपने कैटेगरी का भी नाम लिख दोगे। जैसे कि अगर आप जनरल से हो तो यूआर लिखोगे, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो ओबीसी लिखोगे, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे एससी एसटी लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक सारी बात है? आगे देखिए, लिफाफा का अंदर आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद से सिग्नेचर करना है, जिसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है, कहीं से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी आपको जो है यहाँ पे अटैच कर देना है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ठीक है। और जो आप स्पीड पोस्ट करोगे, याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि उसे केवल और केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना होगा। रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेजोगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। कब तक? 25/8/2024 शाम 5 बजे तक, यानी कि 25 अगस्त तक आपके पास डेट है। यू हैव सफिशियंट टाइम टू अप्लाई। 25 अगस्त बहुत समय होता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये जो वैकेंसी है वो आप किस पते पे भेजोगे, तो देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर, यानी कि ये यूपी से वैकेंसी आई है, और भी आने वाले समय में यूपी से और भी वैकेंसीज आएगी तो उसकी सूचना मैं आपको समय के अकॉर्डिंगली जो है देता रहूंगा। तो ये बलरामपुर से वैकेंसी आई है, बलरामपुर यूपी में है। झारखंड से भी वैकेंसीज आती है तो उसकी अपडेट आपको मिलेगी, जैसा मैंने आपको कहा बिहार से भी आती है, बंगाल से भी आती है, तो उसकी सूचना आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और एक और बात, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे देखिए 11,600 लोग से भी ज़्यादा जो है हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं टेलीग्राम पे। आप भी जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे अवेलेबल मैं कराता रहूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।